कि उसकी काम करने की उम्र नहीं है, तो उससे सब्जी मंडी में मेरा पुराना दोस्त मिल गया, ये मेरा क्लासमेट था और इस भाईचारा बनाई रखी है, हिंदू मुसलमानों के साथ खेलिए, मुसलमान हिंदुओं के साथ खेलिए। गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको हैप्पी होली, क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हो, चाहे बड़ी है चाहे छोटी है, आप भी हमारी फैमिली हो। आप सबको हैप्पी होली और आप भी मस्त त्यौहार मनाइए। जैसे मैंने कुत्ते को रंग लगाया, वैसे ही हल्का सा थोड़ा सा लगाइए, ज़्यादा कुत्तों के ऊपर मत रंग फेंकिए, क्योंकि एनिमल जो है वो बोल नहीं सकते, हो सकता है उनकी स्किन को रिएक्शन कर जाए। इसलिए आप अपने जानवरों पर रंग लगाइए, थोड़ा लगाइए, और आप होली खेलिए, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होली, ज़्यादा रंग मत फेंकिए। पानी वाली होली जैसे भी खेलनी चाहते हैं आप खेलिए, लेकिन इको फ्रेंडली होली ज़रूर खेलिए थोड़ी सी, क्योंकि ये त्यौहार जो है ना खुशियां भरा जो होता है ना, इस त्यौहार को मनाना जरूर चाहिए। हिंदुस्तान में इतने त्यौहार आते हैं, हम डेली मनाने लगे कोई ना कोई त्यौहार आता जाएगा। अपने भाईचारा बनाई रखिए, हिंदू मुसलमानों के साथ खेलिए, मुसलमान हिंदुओं के साथ खेलिए, क्रिश्चनों के साथ खेलिए, सब जो है ना अपने देश में सेकुलरिज्म बनाए रखिए, यानी कि मेल भाव बनाए रखिए। तो अभी मुझे जाना सब्जी मंडी में, तो मैं चलता हूँ सब्जी मंडी में। दोस्तों अभी टाइम हो चुका सुबह के 8 बजे का, और ज़िंदगी का जो असली मज़ा ना वो ये है, एक तरफ ठंडी ठंडी हवा नहर की, एक तरफ खुले मैदान और ऊपर से सूरज देवता उगते हुए, ये ज़िंदगी का असली मज़ा है। इसी में ना सारी ज़िंदगी ख़त्म होती है कुदरत में, यही ज़िंदगी का ना असली मज़ा, यही इसका लुत्फ़ तो उठाओ बस। सुबह सुबह अपने घरों से निकले और कुदरत का मज़ा लो। आज मुझे जाना सब्जी मंडी में, और सब्जी मंडी में अगर कोई स्पेशल चीज़ हुई तो वो मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज सब्जी मंडी की वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी इसलिए अब नहीं बनाऊंगा। सब्जी मंडी में मेरा पुराना दोस्त मिल गया, ये मेरा क्लासमेट था और इसने ने जो बिजनेस शुरू किया मशरूम का और इसके साथ साथ पनीर का, तो ये मंडी में आज मुझे मिला, यहाँ से मैंने खरीदी इससे मशरूम। अगर किसी ने इसे ब्याह शादी या किसी प्रोग्राम के लिए सामान लेना हो तो इसका नंबर जो है मैंने ऊपर लगा दिया, इससे आप ले सकते हैं। दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो आदमी समृद्ध है ना, अगर आपको रास्ते में कोई ऐसी औरत या बूढ़ा आदमी दिख जाए जो सामान बेच रहा है, हालांकि उसकी काम करने की उम्र नहीं है, तो उससे जरूर सामान लीजिया करिए, चाहे आपको चाहिए चाहे नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग जो है ना ये कह सकते हैं कि आप बड़े बड़े बंगले बनाने के लिए काम नहीं करते, ये लोग सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए काम करते हैं। ये जो माता जी बैठी है ना, इसकी 4 जो है ना बेटियां, तो ये देखिए उनका पेट पालने के लिए काम करती है माता जी, तो इसलिए ऐसे लोगों से सामान जरूर खरीदे। शॉप में आते जो सबसे बड़ा जो नुकसान देखने को मिला कि जो मेरी शॉप का जो पंखा ना वो क्या खराब हुआ पड़ा है, उसका जो पंखे का जो पीछे जो स्विच है ना वो ऑन है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ना वो पंखा नहीं चल रहा। अभी गर्मियों का सीजन है, दुकान जो मेरी रोड के ऊपर है, लेकिन रोड के ऊपर होने के बावजूद यहाँ से क्या मिट्टी जो बहुत आती है, मिट्टी होने की वजह से यहाँ गर्मी बड़ी लगती है दुकान के अंदर। लेकिन क्या मार्च महीना अभी स्टार्ट हुआ है, यानी कि आज 17-18 दिन हुए हैं, आधा महीना हुआ है, उसके बावजूद गर्मी देखिए कितनी बढ़ गई है। जो ये पंखा खराब हो गया, आज पंखे को करवाते हैं ठीक। ये देखिए पीछे से जो स्विच जो है ना इसका ऑन है, ये फैन वाला स्विच जो ऑन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो पंखा है ये नहीं चल रहा है, तो अभी इसको ठीक करवाते हैं, मैकेनिक को बुलाते हैं और इसको ठीक करवाते हैं। सब मैं फड़के रखना, चलो सब मैं फड़के रखना। पंखा उतरवाकर भेज दिया, अगर तो यही पंखा ठीक हो गया तो इसको लगाएंगे, अगर नहीं हुआ तो फिर नया पंखा हम क्या अपनी दुकान से खोल कर एक लगा देंगे उसको। लो दोस्तों अभी आया मुझे मैकेनिक का फोन, मैकेनिक ने बोला कि जो मैं पंखा आपका लेके आया वो पंखा क्या सड़ चुका है, अब इसको लगाने का कोई फायदा नहीं है, अगर इसको रिपेयर भी कर दूंगा 700-800 का खर्चा आएगा, और ये क्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने चलेगा। अभी गर्मियाँ जो आप जानते हैं आज की डेट में तो सितंबर अक्टूबर तक रहती है, जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्या बढ़ रही है, तो हम क्या करेंगे अब नया पंखा लगाएंगे, जब मैकेनिक आएगा वो नया पंखा लगाएगा, अभी हम नया पंखा खोलेंगे उसको क्या टांग दे, ताकि हमारी गर्मियाँ जो अच्छे से निकल जाए। इस बारी गर्मी नहीं लगता, पिछले बार में ज्यादा पेगी, मार्च में इतना बुरा हाल है। मैं नहीं पढ़ा बिना पक्षे तो मैं उ कह पक् कई चाह पा
लो जी दोस्तों नया पंखा चल पड़ा जी हमारा, ये नया पंखा लगाया मैंने लेजर कंपनी का। जो बात है क्या बात है, मजेदार जियो साईं, जियो साईं मजेदार। दोस्तों दुकान से आकर नहा धोकर खाना खाकर अब मैं आके अपनी छत के ऊपर यहाँ पर करूंगा मैं कम से कम एक घंटे के लिए सैर। आज है चांदनी रात और पीछे चांद देखिए कितना अच्छा लग रहा, और ये पीछे मेरा आ गया कुत्ता, कुत्ता देखिए क्या मस्ती कर रहा अपने में। जब तक मैं ऊपर रहूंगा ना, चाहे मैं एक घंटा रहूं चाहे मैं आधा घंटा रहूं, तो ये हमारे साथ ही ऊपर रहेगा। कभी कभी बीच बीच में जब ये भाग जाता है, लेकिन नॉर्मली ये क्या हमारे साथ ऊपर ही रहता है। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी होली जो है वो कैसी बीती। जैसे मैंने आपको सुबह कहा था कि होली इको फ्रेंडली खेला करो, तो वैसी आपने खेली या नहीं खेली या कैसी खेली आपने वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों आज का दिन जो है ना बहुत ही भागदौड़ वाला रहा, थकावट वाला रहा। सुबह मंडी गया, उसके बाद दुकान में, ये सारे काम में आज काफी भागदौड़ रही। यही करते हैं आज की वीडियो का एंड। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।